तो इस बार की दिवाली पर अगर आप क्रैकर्स खरीदने के लिए आते हैं तो किस तरह आप क्रैकर्स का सिलेक्शन करेंगे कि कौन से ग्रीन हैं, कौन से ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले हैं, कौन से साउंड ज़्यादा जिनकी क्रैकर्स की है वो कैसे ढूंढने हैं? मैं एक स्टॉल पर हूँ, स्टॉल नंबर 28 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के कई किस्म के क्रैकर्स लगे हुए हैं। भैया मुझे ये बताइए कि इनमें से ग्रीन वाले जो हैं वो कौन से क्रैकर्स हैं? सर जैसे वेडिवल में कुछ वैराइटीज आई हुई हैं जैसे कि अनार वगैरह और शुरशुर वगैरह आई हुई हैं ग्रीन्स में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने किसी को अवेयरनेस ही नहीं दी, या क्या सर इंडस्ट्री में क्या रिटेलर क्या होलसेलर। तो हमने स्टॉक जितना मंगवाया जो हमारे पास ग्रीन क्रैकर्स आए हमने मंगवा लिए, जो अदर क्रैकर्स हैं फिर तो वो हमने तो परचेज करने थे कि रिटेलर के लिए, जो ऐसे जिनको मार्केट के मार्केट की डिमांड के हिसाब से कुछ बॉक्सेस में हम बोले वहाँ पे लिखा होता है ग्रीन क्रैकर्स, इट मींस वो ग्रीन है। और अगर मैं एग्जांपल ये जैसे ये 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 वाला रॉकेट है इस पे ये देसी है, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर ये नेचुरली यूज़ कर सकते हैं सर, क्योंकि बच्चे अगर डिमांड करते हैं हमने तो वो चीज़ लानी है। सर अभी तक गवर्नमेंट का कोई हमें कोई वो नहीं आया हुआ इसमें नोटिस कि हमें कि इस ये ग्रीन में आएगा या उसमें आएगा, अदरवाइज आप लोगों को भी क्लियर नहीं है कि कौन से बिल्कुल बिल्कुल ये तो हमें भी क्लियर नहीं है और क्या फैक्ट्री वालों को भी क्लियर नहीं है इस बारे में, जो हमें भी अवेयरनेस दे, होलसेलर को अवेयरनेस दे, डीपू वालों को अवेयरनेस दे कि ग्रीन्स क्रैकर्स आप मार्केट मैन्युफैक्चरिंग करो। कुछ उपभोक्ता भी यहाँ पर, सर क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार जी। ग्रीन क्रैकर्स के लिए बोला गया सरकार ने ग्रीन के, तो इसमें मतलब कोई ढूंढने में दिक्कत हो रही है कि ग्रीन करो? मैक्सिमम ग्रीन का ही है, मतलब जब आप लेने आए थे आपने कहा हमें ग्रीन क्रैकर्स ग्रीन का ही चाहिए। तो क्या वजह क्या लगता, मतलब आपको सही लगता है सरकार का डिसीजन ग्रीन क्रैकर्स अभी इसके? डिसीजन तो सही है उनका। ये आप देख सकते हैं स्टॉक, ये तमाम जो ये पटाखे हैं ये ग्रीन क्रैकर्स हैं, हालांकि बहुत सारों में जो मार्किंग नहीं हो रखी है जिस वजह से शायद ही लोगों को पता चले कि ग्रीन क्रैकर्स हैं। जैसे कि ये वाला पैकेट है इसमें कहीं भी लिखा नहीं गया है ग्रीन क्रैकर्स, अभी की जो मार्किंग आई है उसमें कुछ में ग्रीन लिखा गया है, ये देख सकते हैं इस तरह से, ये इसमें CSIR का भी मार्किंग है जिसमें सर्टिफिकेट दिया गया है कि ये इस तरह के क्रैकर्स जो ग्रीन हैं। ये सबसे जम्मू का पुराना स्टॉल है और मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं ये पिछले 48 साल से यहाँ पे जो बॉम्ब्स का जो है क्रैकर्स लगाते आ रहे हैं। सर बड़ी डिले, कल दिवाली है अभी आप माली लगा रहे हैं? सर एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि जिसने साइन करने होते हैं वो 3 दिन कुर्सी पर ही नहीं आता, तो मतलब इतने लंबे रात को 8:30 बजे साइन कराया है, कौन सा दफ्तर लगता है 8:30 बजे, देख लो इसका मतलब हम क्राइम कर रहे हैं। मतलब कल तक आपने नहीं लगाए थे क्योंकि आपको रिटर्न परमिशन नहीं थी, अब आ गई आपके पास रिटर्न? अब रिटर्न परमिशन आ गई है, अभी दुकान ही नहीं लगेगी तो इतनी देर दिवाली हो जानी। तो सर क्या इस बार रिटर्न परमिशन में क्या कुछ मेंशन किया गया अगर आपने पढ़ा हो तो? कुछ भी नहीं मेंशन पुराना ही है, पिछली बार का जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर या फ्रेंडली क्रैकर जो बनाए हैं कंपनियों ने वो बेचो, हम वही बेच रहे हैं। एटम बम जो गोले हैं धमाके वाले वो बंद हैं, चैन क्रैकर बंद है और चाइनी पटाखे आते हैं वो बंद हैं, वो हमने बिल्कुल रखे नहीं हुए। क्या कुछ कोई डिपार्टमेंट से चेक करने के लिए आते हैं इंस्टॉलमेंट्स की क्या बिक रहा है? हाँ बिल्कुल आते हैं चेक करने के लिए, वो आएंगे सेम टाइम पे जब रश पड़ा होगा, फ्री टाइम पे आए तो पूरी चेकिंग करें तो वो तो ठीक है, जब 4 ग्राहक आएंगे वो भी आ जाएंगे ग्राहक बनकर। तो इस बार आपको लगता है कि जो आपने मार्केट लगी है लोग पैसे अपना पूरे कर पाएंगे क्योंकि आधे दिन में एक डेढ़ दिन में क्या किस तरह की सेल रही है? नहीं करेंगे, किसी ने कौन सा क्लेम दे देना है, नुकसान है कोविड की वजह से? कोविड की वजह नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नुकसान, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पूरी सारा दो, अपने टाइम से परमिशन दे, अपने टाइम से लगाए आदमी, दुकान सजाए, 2 दिन सफाई शुई करे फिर माल बेचे, 2 दिन सारी परमिशन दी है, आप माल लगाए या सफाई करें या सिस्टम जबान में नहीं चलती, हाथ में नहीं चलता लोगों को माल देने के लिए, मतलब देखो अभी तक ऐसे माल खजल पड़ा है ना, खानों में लग रहा है ना कुछ, ना किसी को देने का मजा ना कुछ, और लोग भी नहीं दिख रहे हैं, लोग भी निकल रहे, लोग ठीक है, लोग नहीं, लोगों को लोग आएंगे मिलेगा नहीं पटाखा, मिलेगा नहीं। आपने सुन ली वजह क्या थी, 2 दिन की सिर्फ परमिशन है और अभी आधा दिन से ज़्यादा कहें कि हम बीत चुका है और अभी तक इस तरह के यहाँ पे जो माल बाहर डंप किया गया है कई जगह शॉप्स में लग रहा है, कई जगह पीछे अगर आप देखेंगे अभी सफाई चल रही है। अगर हम इस एरिया की बात करें सबसे बड़ा ये पूरा यहाँ पे स्टॉल्स लगभग 17 स्टॉल्स लगते हैं, परमिशंस की बात की जाए तो परमिशंस में कुछ नया इसमें एडिंग नहीं किया गया है, सिर्फ एरिया जो है वो दिया जाता है
20 फुट बाई 20 फुट की दुकान है तो उस एरिया में इस तरह से माल डंप कर लगा सकते हैं ये। उसमें कोई लिमिट नहीं रहती है कि कितने कॉस्ट तक की ये माल डंप करेंगे और कितना उसकी कितना उसमें क्वांटिटी रहेगी, उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं रहती है। फिलहाल अभी तक तो ज़्यादा रौनक नहीं दिख रही है, ज़्यादा लोग खरीदार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या शाम में और कल में भीड़ बढ़ती है और ये लोग जो क्रैकर्स लगा रहे हैं इनको कुछ बेनिफिट होता दिख रहा है, ये कल पता चलेगा। ब्रिजेंद्र शर्मा के साथ ख्वाहिश पटार से टाइम जम्मू।